राज्यर शिक्षित बेकार युवक युवती मानंक भविष्यत पई आदौ चिंतित नुहंति बीजेडी सरकार। राज्य सरकारंक विभिन्न विभाग रे नियुक्ति को नै बहु दुर्नीति ओ अनियमितता पदा को आसीछि। अतीतरे आरआई ओ अमीन परीक्षा दुर्नीति होइथिला। राज्य रे जाल सर्टिफिकेट शिक्षक नियुक्ति रे व्यापक दुर्नीति हेउछि। बीजेडी सरकार प्रत्यक्ष प्रोत्साहन रे सरकारी नियुक्ति रे चंचकता करा जाई युवक युवती भविष्य को अंधकारमय कराउथवा बेले वर्तमान एएसओ नियुक्ति रे घोटाला छात्र छात्री और युवक युवती भितरे निराशा और हताशार वातावरण सृष्टि कर देछि। ओडिसार युवकों भविष्य को नष्ट करिवार अधिकार राज्य सरकार को किए देला बोली युवमोर्चा राज्य सभापति श्री इराशिष आचार्य प्रश्न करिसथि। आज राज्य कार्यालय सांबादिक सम्मेलनी करी श्री आचार्य कहिसथि जे ओपीएसएससी द्वारा एएसओ परीक्षा संपूर्ण अनैतिक। 2021-22 ओडिसा लोकसेवा आयोग पक्षरु 796 आसिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला ओ 1.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देथिले। मूलरु विवाद घेरे थिबा एई परीक्षा रे 1104 जणक मेरिट लिस्ट रे नाम प्रकाशित होइथिला। एहा परे प्रकाश पाइथिबा चूड़ांत तालिकाटी संपूर्ण अनैतिक भावे प्रस्तुत हेबाकु नै मान्यवर हाईकोर्ट क्षोभ प्रकाश करी प्रकाशित मेधा तालिका को रद्द करिबा सहित कड़ा भाषा रे ओपीएससी को मध्य तागिद करिछन्ती। एतिसह आउथरे नूतन मेरिट लिस्ट प्रकाश करिबाकु मान्यवर हाईकोर्ट ओपीएससी को निर्देश देइछन्ती। एएसओ पदवी पई परीक्षा देउथबा युवक युवती भविष्यत कोन हेबो केवल सेतिकि नुहे जो परीक्षार्थी माने उत्तीर्ण होती मध्य प्रतारणा करिछि राज्य सरकार कारण तांको परिवार एवं सेमाने मध्य ओपीएससी रो भूल पद्धति सरकारंको आम खेल मनोभाव और दुर्नीति जोगु तांको भविष्यत को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। शासक बीजेडी रो इंगित रे ओपीएससी रो वर्तमान दुर्नीतिर गंताघर साजिछि एवं राज्य सरकार एहार रिंग मास्टर साजिछन्ति बोली श्री आचार्य कहिसथि। महाधिवेशन होता दिल्ली सहर से तार डाकरा थिला जे वर्षव्यापी आंदोलन जे बीजेपी शासन तार श्रमिक कर्मचारी जनमार नीति बदलू नचे शासन क्षमतारू आम हटेबा बद्धपरिकर तापर आम जो निष्पत्ति निहाई ओडिशा रे किभली भाव में कार्यकारी कर संपर्क में आज कन्वेंशन जो कन्वेंशन मुख्य उद्देश्य हूँ जून जुलाई रे केन्द्र सरकार श्रमिक कर्मचारी मान नीति विरुद्ध में व्यापक कन्वेंशन संगठित करने सहित आगामी अगस्ट 9 भारत छाड़ दिवस 9-10 महासमावेश भुवनेश्वर ठारे अनुष्ठित हम केन्द्र ट्रेडून तरफ राली हवा सहित दुईदिनिया धारणा अनुष्ठित हो जो थे मुख्य मुद्दा हूँ साधारण सामाजिक निरापत्ता सर्वनिम्न भत्ता स्कीम वर्कर को वर्कर मान्यता एवं 4 लेबर कोड को प्रत्याहार करवा घरकरण बंद करवा असंगठित श्रमिक मान आई ये हूँ मुख्य दाबी। ये दाबी उपर आगामी आंदोलन को सफल करने आज कन्वेंशन हवा आईन टूसी ए आई टूसी एच एम एस सी आई टू ए आई यूट्यूसी यूट्यूसी ए आई सी सी टू एवं समस्त फेडरेसन तरफ मिलित राज्यस्तरीय कन्वेंशन अनुषित हो दिल्ली में जो जनवरी 30 तारीख दिन जातीय कन्वेंशन अनुषित होता तार डाकरा हूँ मोदी सरकार श्रमिक विरोधी जनविरोधी कार्य विरुद्ध व्यापक आंदोलन गढ़ तोला दिल्लीर कन्वेंशन पर राज्यस्तरीय कन्वेंशन एवं ये कन्वेंशन पर जिलास्तरीय ब्लॉकस्तरीय कन्वेंशन मिलित कन्वेंशन अनुषित हो एवं मोदी सरकार जो जनविरोधी कार्य करुछन्ती दरदाम हुई बढ़ी आपण बेकार समस्या बहुत बढ़ी ता सांगरे राष्ट्रायत्त उद्योग घरकरण एवं लोकों पर गरीब निष्पेषित लोकों पर अत्याचार बढ़ी बढ़ी चली विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन करने आज ये कन्वेंशन डाकरा देछि। ओडिशार पुरपल्ली सहर बजार कल कारखाना खादान खमार भितरे ये आंदोलन को व्यापक करिया पई डाकरा आसी से परिप्रेक्षी रे ये राज्यस्तरीय कन्वेंशन डाकरा दौची ओडिशार कल कारखाना खनि खादान भितरे ओडिशार जो आउटसोर्सिंग वर्कर काम करुछंती जो ठिका श्रमिक काम करुछंती अंगनवाड़ी आशा पाचिका जो माने स्वल्प दरमारे काम करुछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, 26,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲେବର ଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 4ଟି କୋଡ୍ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଖର୍ବ ହେବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର 48 କୋଟି ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, କ୍ଷେତ ମଜୁର, ଗରିବ, ଦଳିତ, ନିଷ୍କସିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଆଯିବ। 2024ରେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହେବ। ଆଜିର ଏହି କନଭେନସନର ଆହ୍ୱାନ କନଭେନସନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ମାନଙ୍କର କନଭେନସନ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାର ଏ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛି, ଦେଶକୁ ବିକି ଦେଲାଣି, କଳକାରଖାନା ନାହିଁ, ଚାକିରି ଟିକିଏ ନାହିଁ, ESI ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଫେଡେରେ ମାନେ ରେଫରାଲ ଯେତେ ଅଛି ESIର ପଇସାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅମାନି ଦେବା ପାଇଁକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାଣି ମୋଦି। ମୋଦି ଏ ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଠାରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଯେତେ ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ବିକି ସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି। ତେଣୁ ଏ BJP ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ଦରକାର। ଏ ଶ୍ରମିକ ମାଳ ନୀତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିତସ୍ପୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଛଟେଇ ଚାଲିଛି, ଲେବର ଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ମାନେ 40ଟା ଲେବର ଲକୁ 4ଟା କୋର୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାଣି ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ ଆକ୍ଟକୁ ତିଆରି କଲେଣି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ଭାବୁ ନେଇସାରିଲାଣି। ଆଜି ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, 2024ରେ ଏମିତି ମୋଦି ସରକାର ଘଟା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆଜିର ଏ କନଭେନସନ ଚାଲିଛି। ମୋଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଯାକ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଦେଶଟା ଯାକ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ହାଣ୍ଡି ଚାଳରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, 1200 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଜୁଳିର ଦରଦାମ କହିହେଉନି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ସନ ସବୁ କରିଦେଲାଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।